रविवार को प्रयागराज पहुंचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भगवतपुर ब्लॉक में नवनिर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल सौशयायुक्त संयुक्त चिकित्सालय भगवतपुर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संचारी रोगों, डेंगू, वायरल बुखार के दृष्टिगत हॉस्पिटल में हो रहे वाटर प्रूफिंग व अन्य अवशेष कार्यों को 2 अक्टूबर के बजाय 10 दिनों के भीतर पूर्ण कराकर हॉस्पिटल को पूरी क्षमता के अनुरूप क्रियाशील कराने के लिए निर्देशित किया है। उपमुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से अपनी देखरेख में सभी कार्यों को पूर्ण कराने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के लिए कहा है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुंभ मेला 2019 में अस्थायी रूप से बनाए गए हॉस्पिटल के संसाधनों का उपयोग कर इस हॉस्पिटल को स्थापित किया गया है और इसमें 100 बेड की क्षमता है तथा यहां पर 16 चिकित्सकों की नियुक्ति है एवं प्रतिदिन लगभग 100 ओपीडी हो रही है। सभी बेड पर ऑक्सीजन की सेंट्रलाइज्ड सप्लाई है एवं यहां पर एक्सरे व पैथोलॉजी की सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्पिटल के छत में शीट के जोर से पानी टपकने की समस्या के कारण इंडो पेशेंट हेतु सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए छत की वाटरप्रूफिंग कराई जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल में कुत्ता, बंदर, सांप के काटने पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन, आवश्यक दवाइयों व उपकरणों की उपलब्धता, ढांचागत सुविधाओं के साथ सफाई कर्मियों की नियुक्ति कर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों, तीमारदारों व परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार किए जाने के लिए कहा है। उपमुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों व अन्य लोगों को कहा कि यहां पर आवश्यक मैनपावर की स्वीकृति हो चुकी है। 100 बेड की क्षमता हेतु अनुमन्य सभी उपकरणों को उपलब्ध कराया गया है और जो भी आवश्यकताएं होंगी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्रों में इस हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जानकारी हो सके कि उनके पास ही एक बड़े अस्पताल का विधिवत संचालन प्रारंभ हो चुका है एवं आपको इलाज के लिए दूर शहर में नहीं जाना पड़ेगा। सही है, खड़े रहिए। नवनिर्मित हॉस्पिटल भगवतपुर के मुंह आ रहा है कि नहीं, हमने ये पाया कि हमसे लेना है प्रेम से शीघ्र प्रारंभ करना तो हमारा भी चाहिए। चूँकि ये अस्पताल डिस्पेंटल होकर के आया, कुंभ मेले में अस्थायी रूप से बनाया गया था, वहाँ के संसाधनों का यहाँ उपयोग करते हुए अस्पताल स्थापित कर दिया गया है। मैन पावर को सेंक्शन हमने कर दिया है, 16 चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी है, सभी उपकरण जो 100 बेड के लिए अनुमन्य है वो यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं, वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है, 10 दिन के अंदर अस्पताल फुल फ्लेज से चलने लगे ऐसे हमने निर्देश दिए हैं और समय समय पर जिलाधिकारी महोदय अपने देखरेख में काम पूरा कराएंगे और आसपास के गाँवों में इस बात की जानकारी हम सभी नागरिकों को देंगे, उनके घर के पास, उनके गाँव में ही, उनके क्षेत्र में ही इस बड़े अस्पताल का विधिवत संचालन प्रारंभ हो गया है। अब आपको शहर की ओर जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, डेंगू की भी समस्या हो रही है? देखिए, संचारी रोग अभियान हम लोग लगातार चलाते हैं वर्ष में 3 बार और मुझे अभी ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं, फिर भी हम सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। कहीं भी मरीज होंगे उनको हम उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराएंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम मरीजों की पहचान कर रहे हैं, जांच का दायरा हमने बढ़ाया है और जांच के दायरा बढ़ाने की वजह से आप देखते होंगे गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में और जो परंपरागत जिले हैं जहाँ पर मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसे बुखार के पीड़ित मरीज अधिक पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में हमने विशेष सतर्कता बरती है। अच्छा, इसके अलावा बात करें, G20 का सम्मेलन चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का प्रस्ताव रखा था अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत दुनिया में भारत माता का झंडा लहराने में सफल हुआ है और ये सब माननीय मोदी जी की वजह से हुआ। अच्छा, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि जी का मतलब जो है घोसी, आप जानते हैं वो सर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक पोस्टर लगा है जिसमें शिवपाल जी के लिखा है टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं अच्छी तरह सच्चाई प्रदेश की घोसी चुनाव, शिवपाल जी को सच्चाई प्रदेश की जनता अच्छी तरह, क्या शिवपाल जी को टाइगर कहना है? जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए 10 दिनों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा कर हॉस्पिटल को पूरी क्षमता के अनुरूप संचालित कराया जाएगा।
इस अवसर पर यमुना पार भाजपा अध्यक्ष विभव नाथ भारतीय सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों के साथ मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर मदन कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशु पांडे, प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर इश्तियाक अहमद सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।